Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The Education Warrior. प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ओम का नियम. ओम का नियम क्या होता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं ओम का नियम. ओम के नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब इत्यादि को स्थिर कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न विभवांतर उनमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है. यदि हम इसे गणितीय रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, भी प्रोपोर्शनल टू आई. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भी जो है हमारा वो विभवांतर है, ठीक है, और यह प्रोपोर्शनल है आई के. हमें पता है कि प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमें कांस्टेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, भी बराबर आई आर, ठीक है, या भी बराबर आर आई, जिसमें आर जो है आर अनुक्रमानुपाती नियतांक है. यदि हम इसको ग्राफ के माध्यम से देखें तो हम इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे ये है हमारा, ये हो गया भी बराबर आई आर लिख सकते हैं, या आई बराबर आर अपॉन भी लिख सकते हैं, या भी बराबर आई अपॉन आर लिख सकते हैं. तो कुछ इस प्रकार हम कूलाम के नियम को परिभाषित कर सकते हैं. यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.